चलिए दोस्तों, आज अपना लोग इन सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, इन सवाल में बेसिक कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है बेसिक, देखिए रूट एक सौ इक्कीस का मान आपको जानना जरूरी है और कितना, रूट एक सौ उनहत्तर का मान आपको जानना जरूरी है और कितना, रूट दो सौ पच्चीस का मान जानते हैं तो विदिन इस सवाल को 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको मान बता दे रहा हूँ। देखिए, रूट एक सौ इक्कीस का मान कितना होता है, तो 11 होता है। कितना होता है? 11। कितना रूट एक सौ इक्कीस का वैल्यू कितना होता है? 11 होता है। अब कितना है? रूट एक सौ उनहत्तर। देखिए, रूट एक सौ उनहत्तर का वैल्यू कितना होता है? 13। तो आप लोग जानते हैं 13 एक सौ उनहत्तर, अगर करना 121 है तो और कितना है रूट में वैल्यू? देखिए, और रूट में कितना वैल्यू है? 225। कितना है? 225। 225 का क्या होता है, हो जाता है वर्गमूल, आप लोग जानते हैं 15 15 225 होता है। ठीक है, 15 15 कितना होता है? 225 होता है। 13 13 169 होता है, अगर अगर हाँ 121 होता है, यानी कि 121। आप लोग कह सकते हैं रूट अंडर 121 का वैल्यू 11 होता है, रूट अंडर 169 का वैल्यू 13 होता है और रूट अंडर 225 का वैल्यू 15 होता है। तो चलिए, इनके सहायता से अपना लोग इन सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, रूट 121 की जगह पे 11 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रूट 121 की जगह पे 11 लिखेंगे, बटे में कितना है? बटे में 11 है, उनको ऐसे ही लिख देते हैं। और क्या लिखेंगे? देखिए, 45 उनको जैसे है उनको ऐसे लिख देंगे, रूट को सिर्फ चेंज करना है। 169 की जगह कितना लिखेंगे? 13 लिखेंगे, और कितना? 13 इनको वैसे वैसे लिखना है। और ये रूट अंडर 225 की जगह कितना लिखेंगे? 15 लिखेंगे। देखिए, अपना सवाल विदिन 2 से 3 सेकंड में आंसर इनका आ ही गया। देखिए, 15 से काट दी, 15 दिया 45, 13 से 13 गया और 11 से 11 गया। कितना बचा ऊपर में? सिर्फ 3 ही बचाना। कितना बचा ऊपर में? सिर्फ 3 ही। बटे हमने पूछा 1 दे दीजिए, 1 से 3 में भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा, कितना मरतबा जाएगा? 3 मरतबा। 3 का राइट आंसर कितना आ गया? आप कह सकते हैं कि 3 इनका राइट आंसर आ गया। आई होप यह सवाल आप लोग समझ में आ गया हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना, इनके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।